आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनावी शतरंज में किसकी शह होगी और किसकी मात, ये एग्जिट पोल से लगभग साफ हो चुका है। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद लगातार विपक्ष हमलावर है इस एग्जिट पोल को लेकर। राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। ये बात राहुल गांधी ने कही है इन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद। उन्होंने कहा है इंडी गठबंधन की सीटें 295 को पार करेंगी। इंडी गठबंधन 295 से ज्यादा सीटें लेकर आएगा। जयराम रमेश बड़े कांग्रेस के नेता सांसद भी हैं, अमित शाह जिला कलेक्टर को फोन करके डरा धमका रहे हैं। ये बात कहते हुए जयराम रमेश नजर आए, उन्होंने कहा कि अमित शाह 150 अधिकारियों को अब तक फोन कर चुके हैं और उनको डरा धमका चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी इस एग्जिट पोल पर पलटवार किया है और कहा है एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, यानी कि प्रशासन पर हमला है अखिलेश यादव का। और उन्होंने कहा मीडिया बीजेपी को 300 के पार दिखाएगा, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, जिससे घपला करने की गुंजाइश बढ़ जाए। ये बात अखिलेश यादव ने कही है। समाजवादी पार्टी के ही नेता रविदास मेहरोत्रा क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि गृहमंत्री रिवॉल्वर की नोक पर एग्जिट पोल तैयार करवा रहे हैं। ये बड़े आरोप रविदास मेहरोत्रा ने लगाए हैं। साथ ही सोमनाथ भारती ने क्या कहा है वो तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनी एनडीए की तो अपना सर मुड़वा लेंगे, जिसके बाद उस पर अब राजनीति भी बढ़ चढ़कर हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने तो अपना सिर मुड़वा लेंगे। बीजेपी के नेता उनको कैची भी भेज चुके हैं, पार्सल करवा चुके हैं। बड़ी खबर अगली क्या है, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच यह समझना होगा, अब जब कांग्रेस के नेता लगातार इस एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहे हैं तो कल 4 तारीख को जब एग्जैक्ट पोल आएंगे उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी। शिखा के पास हम चलना चाहेंगे, उनके पास अगली बड़ी खबर क्या है। शिखा बिल्कुल वैभव, देखिए तकरीबन सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी जबरदस्त जीत दर्ज करती नजर आ रही है। उन राज्यों में भी जहां सबको लग रहा था कि यहां से बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिलेगा, इन अनुमानों के बाद से पूरे इंडी गठबंधन में हाहाकार मचा हुआ है और आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब ये पक्का हो चुका है फिर एक बार ये निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री शासन करने का क्या सिद्धांत है, धमकी दो और शासन करो, डराओ और शासन करो। हमारे पास एक वीडियो है, गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रिवॉल्वर की नोक पर एग्जिट पोल दिखवाने का काम किया है। क्या इस डर और बौखलाहट की वजह बीजेपी की प्रचंड जीत और नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के अनुमान का नतीजा है? क्या सारे एग्जिट पोल में मोदी सरकार के अनुमान से ही कांग्रेस को बुखार आ चुका है और विपक्ष में हाहाकार मचा है? एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस टेंशन में है। मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, इस पर विश्वास नहीं हो रहा। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस की नींद ऐसे उड़ी है कि उन्होंने आरोपों का खेल शुरू कर दिया है। अंतर बस इतना है कि अब तक सरकार और बीजेपी के नेता पिक्चर में हैं, ईवीएम नहीं, और जानकार मानते हैं कि 4 जून की गिनती के बाद ईवीएम भी पिक्चर में आ जाएगा। शुरुआत जयराम रमेश ने कर दी है, वो कह रहे हैं कि गिनती से पहले गृह मंत्री कलेक्टर्स को फोन कर धमका रहे हैं। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले, दो दिन पहले चुनाव के नतीजे आने के दो दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। आंकड़े उनको पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास चुनाव के दौरान कोई सही मुद्दे थे नहीं। एग्जिट पोल जो है पिछले 10 साल के काम देख के, वोटर का रिएक्शन देख के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में बहुत ही कन्विंसिंग मेजोरिटी आने वाली है।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जीत और नरेंद्र मोदी की हैट्रिक तय है और बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुआ एनडीए गठबंधन वोटर्स को प्रभावित करने में विफल दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं दिख रहा। राहुल बाबा के नेता गृह मंत्री पर डराने धमकाने के आरोप तक लगा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश के नेता रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने रिवॉल्वर के नोक पर एग्जिट पोल तैयार करवाए हैं। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रिवॉल्वर की नोक पर एग्जिट पोल दिखवाने का काम किया है। जिन लोगों ने एग्जिट पोल तैयार किया है उनको रिवॉल्वर की नोक पर यह कहा गया है कि तुमको ये आंकड़े दिखाने हैं, और मजबूर होकर के भय और डर से वो लोग ये फर्जी आंकड़े दिखाने के लिए बाध्य हुए हैं। विपक्ष के इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया और जयराम रमेश को अपने दावों से जुड़ी डिटेल्स शेयर करने को कहा, जिससे सही एक्शन लिया जा सके। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि उनका इलेक्शन कमीशन पर भरोसा ही नहीं। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की पॉलिसी पुरानी है, आरोप लगाओ और भाग जाओ।